अस्सलामुअलैकुम, मेरे चैनल पे आप सभी का वेलकम। मेरी आज की रेसिपी है मटर की कचौरी। माशाल्लाह से खाने में बहुत ज़बरदस्त लगती है, तो चलिए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैदा ले लें। मैदा मैंने यहाँ पर 2 कप लिया है, उसमें नमक ऐड कर दें। नमक आप अपनी टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड करना। थोड़ी सी अजवाइन भी इसमें मैं ऐड करूँगी। अजवाइन अगर आप नहीं खाना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ मैंने तेल लिया है, तेल को मैंने गरम कर लिया है। गरम तेल इसमें डाल दें और फ़ौरन से इसमें हाथ नहीं डालना है, थोड़ा ठंडा होने दें। उसके बाद इसे इस तरह से मिक्स कर लें। आटे को अच्छे से पूरी तरह मिक्स कर लेना है इसी तरह से। ये देखिए, अगर आपका आटा इस तरह से बंद हो रहा है, गुट्टी में बंद करें। और अगर इस तरह से आपका आटा बंद रहा है, इसका मतलब आपका जो आटा है वो एकदम परफेक्टली रेडी है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लें। मैंने ये पूरी फुल कटोरी पानी लिया था, लेकिन देखिए मैंने बहुत थोड़ा इसमें पानी यूज़ किया है। इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड या आटा गूंदना है, बस नॉर्मल गूंदना है और इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है। जब तक आटा रेस्ट पे है, तब तक मैं इसका मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1 छोटा चम्मच धनिया लिया है, 1 छोटा चम्मच सौंफ ले लेंगे और 1 छोटा चम्मच जीरा ले लेंगे। और मैं इसे दरदरा सा कूट लूँगी। आप चाहें तो इसे मिक्सर में पीस भी सकते हैं। अगर आप मिक्सर में पीस रहे हैं तो बस 1 से 2 बार ही उसको घुमा लें मिक्सर में, वो बारीक जैसा दरदरा हो जाएगा। ये मैंने अच्छे से कूट लिया है, मैं आपको चम्मच में लेकर बताती हूँ। ये देखिए, बस ये मसाला जो है कचौरी का वो रेडी कर लिया मैंने। अब मैं एक मिक्सर जार में मटर ले लूँगी। 1 कटोरी मटर लिया है मैंने, इसे मैंने बॉईल नहीं किया है, बस ये फ्रेश मटर थे वो मैंने ले लिया है। इसमें मैं हरी मिर्चें, 2 हरी मिर्चें कट करके डाल दूंगी और थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाल दूंगी। मिर्ची आप अपनी टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं, बट अगर 1 कटोरी आपने मटर लिया है तो 2 मिर्चियाँ इनफ है। मैं इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लूँगी। 1 बर्तन में तेल गरम कर लें, तेल थोड़ा सा ही इसमें ऐड करना है। और जो मैंने मटर का पेस्ट बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गैस की फ्लेम को आप लो पर ही रखें या मीडियम पर रखें। अगर आप फास्ट भून रहे हैं तो गैस की फ्लेम को हाई रखें। थोड़ा सा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड किया। अब मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। जो कचौरी का मसाला मैंने पीसा था यानी कूटा था, बस मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी। पूरा मैं मसाला इसमें ऐड कर दूँगी ये, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मैं भून लूँगी। ये जो मटर का मसाला हम बना रहे हैं कचौरी के लिए, ये बहुत अच्छे से भून लेना है आपने। जितना आप ज़्यादा इसे अच्छा भूनेंगे ये उतना ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो मैं इसे पहले अच्छे से मसाला ऐड करके भून लूँगी। अब मैं इसमें 1 छोटा चम्मच शुगर यानी शक्कर ऐड कर रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला यूज़ कर लें। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड किया है और अब नमक मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाट मसाला ऐड कर रहे हैं तो नमक आप थोड़ा कम ही इसमें ऐड करना। सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करके भून लूँगी। मैं इसे हाई फ्लेम पर रख के अच्छे से भून रही हूँ। आप देखेंगे मैंने तेल ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। माशाल्लाह से ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेती हूँ कचौरी के लिए। मटर का बैटर अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद इस तरह से इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना के रेडी कर लें। बस इसी तरह से बना लेने हैं सारे। और ये मैंने सारे बॉल्स जो है वो बनाकर रेडी कर लिए हैं।
अब चलते हैं कचौड़िया बनाने की तरफ। आटा अच्छे से रेस्ट हो गया था, ये देखिए बहुत ज़्यादा नरम नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है आटा। और मैंने आपको ये भी बताया है कि पानी मैंने कितना यूज़ किया है, पानी भी मैंने बहुत कम यूज़ किया था। आटा गूंदने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए रख देना है आपने, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रख दें। अब मैं आटे में से भी छोटे छोटे बॉल्स निकाल लूँगी कचौड़ियाँ बनाने के लिए। ये मैंने एक ले लिया है। अब मैं इसे आपको किस तरह से इसे बनाना है वो बताती हूँ। बस इसको ऊपर की तरफ से पतला करते जाएं, नीचे की तरफ से आपने पतला नहीं करना है। इसे इस तरह से जाड़ा ही रखना है, मोटा रखना है नीचे की तरफ से इसका बेस। बस ऊपर की तरफ से इस तरह से इसकी कटोरियां बनाते जाएं और इस तरह से इसे पतला करते जाएं। जब इसकी कटोरियां बन जाए, बस इसी तरह की देखिए कटोरी मैंने बना ली है। नीचे का जो बेस है उसे बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। ये रख दिया मैंने, कटोरी बन गई। अब मैं मटर का जो एक बॉल है वो इसमें ऐड कर दूंगी। इस तरह से इसमें रख दे। अब इसे ऊपर की तरफ खींचते जाएं, जो आटा है उसे ऊपर की तरफ खींचते जाएं। तो जो नीचे का बेस हमने जाड़ा रखा था उससे ये जो ऊपर का पार्ट है वो ऊपर आता जाएगा और ये आराम से नीचे दबता जाएगा। जो अंदर का मसाला है हमने रख बनाया है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। बस इसी तरह से इसे ऊपर की तरफ खींचते जाएं और इसे अच्छे से बंद कर दें। बहुत अच्छे से इसे बंद करना है वरना तेल में जाने के बाद ये खुल सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले इसे अच्छे से बंद कर लेना है। ये देखें, ये एकदम परफेक्ट बन के रेडी है। बस इसी तरह सारे बना लेने हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा पेड़ा ले लें, उसके बाद इसे कटोरी की शक्ल दे दे। जो बेस है उसे पतला नहीं करना है, उसे मोटा ही रखना है। जब ये अच्छे से कटोरी बन जाए उसके बाद जो मटर का मसाला हमने बनाया है कचौड़ी का वो इसमें रख दे और ऊपर की तरफ आटे को खींचते हुए इसको अच्छे से बंद कर दे। मसाले को अंदर से पूरा पैक कर दे। ये देखिए हथेली की मदद से इसे अच्छे से हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है। हथेली ऐसे रख दे, हथेली पे आटा ये देखिए बस इसी तरह, ये बस दो मैंने बनाकर रेडी कर लिए। बस इसी तरह मैं सारे बना लूँगी और ये देखें बस सारे भी बन चुके हैं। अब मैं इसकी ग्रीन चटनी बनाती हूँ। हरी मिर्च ले लें, धनिया के पत्ते ले लें, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर। मैं जब भी ग्रीन चटनी बनाती हूँ थोड़ी सी शक्कर ज़रूर ऐड करती हूँ। और ये मैंने पेस्ट बना लिया है हरी चटनी का। अब मैं दही की चटनी बनाऊंगी, तो मैंने दही ले लिया है, इसमें मैं शक्कर ऐड कर लूँगी। आप जब भी ये कचौरी बनाए या जो भी कचौरी आप बना रहे हैं, मटर की कचौरी है या सादी कचौरी आप भी बना रहे हैं, तो ये जो दही की चटनी मैं बना रही हूँ बस इसे ज़रूर बनाना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है। अब मैंने जो ग्रीन चटनी बनाई है उसका एक चम्मच पेस्ट मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और ये मेरी दही की जो चटनी है वो रेडी है। ये दही की चटनी जो है वो कचौरी के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, तो ज़रूर से ये ट्राई आप करें। ग्रीन चटनी भी मैंने बना के रेडी कर ली है और जो दही की चटनी है वो भी मैंने रेडी कर ली है। दोनों चटनी मैंने आपको बता दी है मेरे तरीके से जैसी मैं बनाती हूँ। तेल को गरम कर ले, तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और गैस की फ्लेम को लो रखना है। तेल हल्का हल्का गरम हो जाए, आपके हाथ पे थोड़ी थोड़ी गर्माश लगने लगे, तो तभी अपनी कचौरियों को इसमें ऐड कर दें। और गैस की फ्लेम को लो ही रखना है, लो फ्लेम पर ही आपने कचौरियों को फ्राई करना है। जैसे समोसों को फ्राई करते हैं उसी तरह कचौरियों को लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तो ही ये क्रिस्पी बनेंगी। कचौरियों को फ्राई करने के लिए बिल्कुल भी घाई नहीं करें और बिल्कुल भी गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही आपने कचौरियाँ फ्राई करनी है। ये देखें मैंने एक फ्राई कर ली है, तो सबसे पहले तेल गरम कर ले, तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और थोड़ा सा बर्तन के ऊपर हाथ रख के चेक कर लें। आपको तेल में गर्माहट महसूस हो रही है तो अपनी कचौरियों को इसमें तेल में ऐड कर लें और लो फ्लेम पर ही कचौरियों को फ्राई कर ले अच्छे से, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के रेडी होती हैं। माशाल्लाह से मैंने सारी फ्राई कर ली हैं।
ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बढ़िया कलर आया है और ये क्रिस्पी भी बन के रेडी हुई है और बिल्कुल भी तेल में डालने के बाद ये खुली नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया बस उसी तरह से पैक करते जाएं और कचौरियाँ अपनी फ्राई करते जाएं। मैंने सारी कचौरियाँ फ्राई कर ली हैं, ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है ये और खाने में बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, तो ये ज़रूर आप ट्राई करना। माशाल्लाह से कचौरियाँ रेडी हैं। मैंने दही की चटनी और ग्रीन चटनी के साथ टमाटो केचप सर्व किया है। आप चाहें तो गुड़ और इमली की चटनी भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ इसमें से, ये देखें अंदर से इसका मसाला चेक कर लें आप, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनती है ये। मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आगे की आने वाली नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। मेरी रेसिपीज़ की वीडियोस देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।